ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले 29 साल से व्यसन मुक्ति के पावन कार्य में लगे जलगांव खानदेश की प्रसिद्ध संस्था जीवन ज्योति व्यसन मुक्ति केंद्र का शुभारंभ अकोला में राष्ट्र संत गाड़गे महाराज की जयंती पर किया गया। इस अवसर पर मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। व्यसन मुक्ति के पावन कार्य में पिछले 29 साल से अखंड सेवारत और अनुभव के साथ जलगांव खानदेश की प्रसिद्ध संस्था जीवन ज्योति व्यसन मुक्ति केंद्र का शुभारंभ राष्ट्र संत गाड़गे महाराज की जयंती पर अकोला शहर के आरोग्य नगर स्टॉप कौलखेड़ रोड यहां पर किया गया है। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बाला साहब मोहन कुमावत को व्यसन मुक्ति कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्य स्तरीय व्यसन मुक्ति सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस जीवन ज्योति व्यसन मुक्ति उपचार केंद्र अकोला शाखा का उद्घाटन भारत कृषक समाज के चेयरमैन प्रकाश मानकर के हाथों किया गया है। आरंभ में संत गाड़गे महाराज की प्रतिमा का पूजन मान्यवरों के हाथों किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका स्थायी समिति के सभापति संजय बड़ो ने डॉक्टर प्रताप सिंह मारवाल, डॉक्टर सुनील मारवाल, ग्राम पंचायत सदस्य समाधान सपकाले, मुक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकुंद गोसावी, डॉक्टर प्रीतम कुमावत उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर अमोल प्रताप सिंह मारवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यसन मुक्ति समाज के लिए हमारे साथ आपका भी योगदान जरूरी है। व्यसन मुक्ति का पावन कार्य करने की समय की मांग है। राष्ट्र संत गाड़गे महाराज ने हमें जो सीख दी है उस पर अमल करना जरूरी है। इस अवसर पर डॉक्टर अश्विनी मानकर ने आयोजन की ओर से कहा कि व्यसन मुक्ति का पावन कार्य अकोला शहर में शुरू किया गया है, जिसका सभी नागरिक लाभ ले। व्यसन मुक्ति का पावन कार्य अकोला में शुरू किए जाने को लेकर सभी मान्यवरों ने डॉक्टर दंपति और संस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जीवन ज्योति हॉस्पिटल व्यसन मुक्ति हॉस्पिटल जी जगह फंडेश शाखा है गेली 31 वर्षापासून सेवा कार्यरत है तिथे आणि बाळासाहेब कुमार यांच्या मार्फत ती सेवा चालू आहे तिथे आणि आज त्याची शाखा जीवन ज्योतीची जळगाव शाखा आपल्या इथे उघड करत आहेत। डॉक्टर अश्विनी आणि त्यांचे मिस्टर डॉक्टर अमोल मोलवार ते दोघं मिळून हे इथे चालू करत आहेत। माझ्या त्यांना शुभेच्छा आणि हे फार चांगलं काम करत आहेत। व्यसन मुक्तीसाठी जे आहे सध्या काळाची गरजही आहे, कारण बरेच लोक व्यसनाधीन होतात परंतु त्यांना त्यातून मार्ग निघत नाही। त्यांना मार्ग दाखवण्यासाठी आज जो व्यसन मुक्तीचा यांची सुरुवात केली आहे त्यांना मी शुभेच्छा देतो। डॉक्टर अश्विनी आणि त्यांचे मिस्टर आणि डॉक्टर बाळासाहेब कुमार जळगावचे सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो। मी आमचे जीवन ज्योती व्यसन मुक्ती केंद्र या संस्थेमध्ये 30 वर्षापासून आम्ही कार्यरत आहे। आम्ही यांची जळगावची आमची ही मुख्य संस्था यांची ब्रांच आम्ही अकोला जिल्ह्यामध्ये आरोग्य नगर इथे घेण्यात आलेली आहे। आमच्याकडे आम्ही व्यसनमुक्त म्हणजे जे लोक व्यसनाधीन झालेले आहेत त्यांना व्यसनमुक्त केले जाते। आम्ही त्यांच्यासाठी त्यांना कोणताही प्रकारचा त्रास न होता त्यांच्यावर उपचार व मार्गदर्शन केले जाते। नॅचरल व्यसनी प्लस म्हणून हे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मेडिकलमध्ये अवेलेबल आहे। आवाहन करत आहे की तुम्ही एकदा तरी आमच्या संस्थेला भेट द्यावी आणि त्यावरून तुम्हाला किती काय काय फायदा होतो हे पहावं।